हेलो एवरीबॉडी, मैं नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड वॉक माई स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर को डिस्कस करूंगा। ओके, ये हमारा वेक्टर का जो 20th लेक्चर है, ओके 20वां लेक्चर। और हमने जो हमारा 19वां लेक्चर था उसमें बेसिकली हमने जो SC वर्मा का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, ओके उसको डिस्कस कर रहे थे। SC वर्मा का एक्सरसाइज जो वेक्टर है, वेक्टर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बेसिकली, ओके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करके जो चैप्टर का नाम है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और गाइस, हमने 1 से लेकर के आपको 18 तक के जो लेक्चर थे उसमें हम वेक्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखे। हमने देखा कि वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ओके क्रॉस प्रोडक्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ओके बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। एक्चुअली आप लेक्चर को फॉलो करते होंगे तो आप देखते हो बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में बात की गई है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, पर हमने जो हमारा 19th लेक्चर था उसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था 19, 18, ओके 17, हमने ये तीन क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ओके, और गई हम उल्टा क्यों शुरू किए थे, इसका रीजन ये है कि हमने रिसेंटली जो है क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह को समझा था, डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा था, 3D में उसको कैसे मीनिंग है, क्या है, इन सब चीजों को डिस्कस किया था। ओके, तो हम उसी कंटिन्यूटी, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहे थे, इसलिए हमने यहां से स्टार्ट किया 19, 18 और 17। ओके चलो गई, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। SC वर्मा का जो वॉल्यूम 1 बुक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, ओके उसका जो चैप्टर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसको उसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ओके 16 हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पर हम जा रहे हैं डिस्कस करने। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दैट सी क्रॉस ब्रैकेट्स में ए क्रॉस बी ब्रैकेट्स इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली मेरे को मोदी जी वाली याद आ रही है, ओके जब वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था कनाडा में जाकर के। चलो देखो मैं एक्चुअली देखो तीन वेक्टर इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और जो तीनों वेक्टर हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, मतलब लाइक अवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, जैसा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझना है थोड़ा सा डब्बा बना लो ये, ओके तो हमारा जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उस तरीके से तीनों जो वेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में एक्स हो गया, इधर वाई और इधर जेड, ओके तो ये आई जे के ये जो तीनों वेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसी तरीके से और बहुत सारे वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वेक्टर देखो, एक मैं सिंपल वेक्टर ड्रॉ करता हूं, मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, ओके इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर में कोई दूसरा वेक्टर कहीं ऐसे हो, और जो थर्ड वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर कहीं ऐसे हो जाए, ओके सो मेनी पॉसिबिलिटीज। ओके मान लो कोई एक वेक्टर, अगर 3D में बात करूं तो कोई एक वेक्टर कहीं यहां पर ऐसे है पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर इसका परपेंडिकुलर कहीं ऐसे होगा, ओके और जो थर्ड वेक्टर होगा इन दोनों को परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे यहां से, तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी। ओके थर्ड वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा कहीं ऐसे हो सकता है, ओके तो बहुत सारे म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं। अब म्यूचुअल परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। आई होप आप 10th पास होंगे, और ये जो साइन है उल्टा टी वाला
कंफर्टेबल होंगे. सिमिलरली वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ओके, एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ओके. ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, बी भी सी के परपेंडिकुलर है, ओके. चलो, तो दिस इज द कंडीशन फॉर म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर, ओके. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सो दैट सी वेक्टर सी क्रॉस ब्रैकेट्स के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो. हमें ये शो करना है पहला चीज. और देखो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्या है, इज द कन्वर्स इज ट्रू. एक्चुअली कन्वर्स की जगह पे अगर कुछ दूसरा बता, रिवर्स इज ट्रू बोलते तो फिर थोड़ा और सही रहता. देखो मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं. ओके, वर्मा जी और क्या पूछ रहे हैं इसमें, ये हमें शो करना है. वी हैव टू शो इट. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरे में क्या है, दूसरे पार्ट का जो मीनिंग हो बेसिकली क्या है कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो है. देन क्या इसका ये मतलब है, देन क्या इसका ये मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए. ओके, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी एंड सी इज परपेंडिकुलर. तो क्या इसका ये मतलब है या ये हमें या भी बोलना कि ये सही है कि नहीं. ओके, तो ट्रू और नॉट. ओके, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट और ये क्या है, दिस इज द सेकेंड पार्ट. ओके, चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए. तो पहला चीज तो क्या होना चाहिए भाई कि आपको घबराना नहीं. ओके, ये तीन वेक्टर देखे और घबरा गए तब फिर तो दिक्कत है. आपको नॉलेज किस किस चीज का होना चाहिए, तो नॉलेज होना चाहिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का. किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है. ओके, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है. देखो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट में बात कर रहा था तो मैं आपको यह बताया था कि ए क्रॉस बी जो है वो बेसिकली एक रोटेशन वेक्टर देता है. ओके, ए क्रॉस बी अगर आप इसको ऑपरेट करोगे, जैसे देखो मेरा क्या मतलब है ए क्रॉस बी वेक्टर देता है, लाइक जैसे देखो 4 × 2 इज इक्वल टू 8. ये 2 क्या है बेसिकली, एक तरह का एक ऑपरेशन है जिसे मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं और क्या देता है, ये 8 देता है. तो सिमिलरली ए क्रॉस बी दिस इज ऑपरेशन, एक प्रोसेस है. ओके, और ये क्या देता है, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट रहता है वो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है एक वेक्टर. ओके, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, एक वेक्टर बनता है इससे. अब उस वेक्टर की खासियत क्या होती है, उस वेक्टर की खासियत क्या होती है कि वेक्टर ए क्रॉस बी, जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, लेट अस अज्यूम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर के लेते हैं, दिस इज द वेक्टर. तो लेट अस अज्यूम कि यह वेक्टर के है. ओके, सो वेक्टर के विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. ओके, वेक्टर के विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर के ऑल्सो बी, वेक्टर के विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. ओके, वेक्टर बी ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी.
आई होप कि आप बात इन दोनों को समझ रहे होंगे ये, ओके। डाउट है तो हमारे लेक्चर को देखिए, ओके। जब जब जिस लेक्चर में हमने आपको किसके बारे में डिस्कस किया था, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ओके। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट को समझना है तो आपको किसको किस चीज को समझना होगा, रोटेशन को। रोटेशन को समझने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक आप क्या है कि आपका जो घर है, घर के अंदर जो दरवाजे हैं उनके मोशन को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज आप अपने कॉपी में अगर समझना चाहते हैं तो आपके पास जो पेन है पेन को रोटेट करवाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर रोटेट करवाना है। ये देखिए, जैसे मैंने देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ किया, मैं इस पोजीशन पे ऐसे फोर्स लगा दी, तो देखो ये पॉइंट लेटर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है और फोर्स इधर है, तो ये किधर रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो देखो अब हमारा ये जो कर्व होगा ये बेसिकली परपेंडिकुलर होगा, ये जो थंब है, जो थंब का जो डायरेक्शन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो व्हाट इज के हियर, के जो है बेसिकली थंब का डायरेक्शन है, ओके। ए क्या है, ए हमारा ये जो पाम है ना, पाम का डायरेक्शन है, ओके, दिस इज द पाम डायरेक्शन ऑफ पाम, ओके। और बी क्या है भाई, जिस डायरेक्शन में पाम रोटेट करेगा ये, ऐसे, ओके। तो के बेसिकली क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान से देखो गाइस, तो इस तरीके से ये ऐसा रोटेशन हो रहा है ऐसे। तो के जो है, के इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ए, के इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके। के इज परपेंडिकुलर टू ए, के इज परपेंडिकुलर टू बी, दैट मींस के इज पैरेलल टू सी। इसका क्या मतलब है, के वेक्टर के, दैट मींस वेक्टर के इज पैरेलल, ओके, टू वेक्टर सी, ओके। बात समझ हो गई, देखो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर केवल एक ही वेक्टर होता है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है केवल एक ही डायरेक्शन होता है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है केवल एक ही डायरेक्शन होता है, बस होते वो दोनों वेक्टर क्या हो, नॉन पैरेलल, दो नॉन पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर, दो नॉन पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर केवल एक वेक्टर होता है। ये जो स्टेटमेंट है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल चाहिए, और वो मैथमेटिकल स्किल आपकी बूस्टअप हो जाएगी जब आप क्लास 12th में वेक्टर को पढ़ोगे, ओके। तो अभी के लिए एक चीज ध्यान कर लो कि जो के होगा, के इज पैरेलल टू वेक्टर सी, ओके, के इज पैरेलल टू, देखो इन सब चीजों को आपने नोट्स में लिखो, इन सब चीजों को ना अपने नोट्स में लिखो, बहुत हेल्पफुल होगा आपको समझने के लिए, ओके। सो वेक्टर के इज पैरेलल टू वेक्टर सी, इससे हमें यह पता चल गया। अब पैरेलल है इसका क्या मतलब है, देखो अगर मान लो ये वेक्टर सी है, दिस इज द वेक्टर सी, लेट अस अज्यूम दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, तो वेक्टर के किधर होगा, वेक्टर के में भी ऐसे हो, वेक्टर के में भी ऐसे हो, ओके। तो ये दो पॉसिबिलिटी, दिस इज द वेक्टर सी है ये, तो दिस इज के और दिस विल बी के, इन्हीं दोनों में से कोई एक के होगा, ओके। दैट मींस द एंगल बिटवीन सी एंड के, एंगल बिटवीन, दैट इसका क्या मतलब भाई, कि एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड के इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर सी एंड वेक्टर के, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर के इज इक्वल टू जीरो, ओके। आई होप गाइस आप यहां तक एग्री करोगे, चलो अब देखो ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर के इज जीरो, ओके। तो अब देखो अगर मैं गाइस ये जो हमारा डब्बा आ रहा है, अगर मैं इस डब्बे का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने की बात करूं
तो मैं कैसे लिखूंगा, एक काम करता हूं, मैं को थोड़ा सा ये बोर्ड जो है ना, इस बोर्ड का ये वाला एरिया को क्लीन कर लेने दो, ओके हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या लिया था कि वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर के, ओके दिस इज इक्वल टू वेक्टर के, जो के के साथ मेरे को कोई यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत है, चलो कोई बात नहीं, ओके सो व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस वेक्टर बी, आई कैन राइट इट एज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर के, ओके आई कैन राइट। अब हमने यहां से क्या निकाला है, के इज पैरेलल टू वेक्टर सी, ओके देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसका मॉड लिखूं, तो ये बेसिकली क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर के साइन थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर के। सो एंड व्हाट इज द थीटा, यहां पर थीटा क्या है, थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर के एंड वेक्टर सी। देखो गाइस आपको ये चीज कैसे क्या है, हमने इसको भी डिस्कस किया था जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, ओके तो गाइस हम अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्मा जी के क्वेश्चन को सॉल्व कर, एक्सरसाइज प्रॉब्लम को, तो आई होप गाइस आप इस चीज से फैमिलियर हो गए और काफी हद तक कंफर्टेबल हो गए, ओके सो सी क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ के साइन थीटा, व्हाट इज थीटा हियर, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर के, और हमने क्या निकाला है कि यहां पर वेक्टर के इज पैरेलल टू वेक्टर सी, सो एंगल बिटवीन सी एंड के इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, सो साइन जीरो यह क्या होता है भाई, जीरो होता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। सो ये वाला जो क्वांटिटी है यहां पर ये क्या हो जाएगा, जीरो। सो जीरो में कुछ भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी लेंथ का, वो क्या आएगा अल्टीमेटली, जीरो आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द जीरो, इस वेक्टर का मॉड क्या होगा भाई, जीरो। अब देखो वेक्टर का जो लेंथ है वही जीरो, इसका मतलब क्या है, वेक्टर जीरो है, सो दिस इज गोइंग टू बी द जीरो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, ओके दिस इज जीरो। तो गाइज आई होप कि अभी तक का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन से आप काफी हद तक कंफर्टेबल हो गए। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी चाहिए, पहला चीज कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां पर ये एक इसका यूज करना है, ओके आपको इसका यूज करना है। दूसरा क्या यूज करना है कि हमने जब यहां पर लिखा था कि के इज परपेंडिकुलर टू ए, के इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके एंड के इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ओके उसके बाद आपको ये जो फोटो है के इसको समझना है, ये कि अगर के जो है, अगर ये कंडीशन है के इज परपेंडिकुलर टू ए के इज परपेंडिकुलर टू बी, दैट मींस के इज पैरेलल टू सी, तो आपको इस फोटो को समझना है और इसको समझना है। अगर आप इतना समझ गए तो फिर आपको इस चीज पर डिस्कस सोचना है कि एंगल बिटवीन सी एंड के इज गोइंग टू बी द जीरो, ओके तो देखो दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये हमें प्रूफ करना है, ओके तो ये क्या है, ये दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये जो फर्स्ट एनालिसिस है, दिस इज सेकेंड एनालिसिस, ये तीनों यहां से लेकर के यहां तक का सेकेंड एनालिसिस, और ये जो है यहां पे ये दिस इज द थर्ड एनालिसिस, तो ये आपको तीन स्टेप में इस क्वेश्चन को समझने होंगे, ओके चलो।
अब देखो, अब इसका जो रिवर्स पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार क्या करता हूं, इस बोर्ड को मिटा देता हूं। ओके गाइस, देखो जो भी क्वेश्चन हम समझेंगे हम बेसिकली ज्योमेट्री की मदद से समझेंगे। ओके चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार इरेज कर देता हूं। ओके गाइस, तो देखो अब सेकेंड पार्ट क्या था कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। तब क्या है, क्या इसका ये मतलब है क्या, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका क्या ये मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए, क्या इसका ये मतलब है? क्या इसका मतलब ये है क्या? चलो हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था फर्स्ट स्टेप कि जो तीनों वेक्टर हैं ए बी सी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके तो देखो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया पहला चीज तो। ओके लेट अस अज्यूम हमारा वेक्टर ए पहले इधर था, वेक्टर बी शुरुआत में इधर था बी। ओके एंड जो वेक्टर सी है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग था कुछ इस तरीके से। अगर ये ऐसा है सो दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके नाउ अब क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि देखो मान लो वेक्टर ए कहीं इधर हो, चलो वेक्टर ए को मैं इधर ही मान लेता हूं, वेक्टर बी परपेंडिकुलर ना हो तो वेक्टर बी को मैं कहीं ऐसे लो, चलो वेक्टर बी को परपेंडिकुलर ना मानू। ओके वेक्टर बी को मैं दिस इज आवर वेक्टर बी, दिस इज आवर वेक्टर बी। तो एक चीज बताओ व्हाट विल बी द ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, क्या ए क्रॉस बी जो होगा आप गाइस आप देखोगे अगर मैं इसको रोटेट करवाने की कोशिश करूं, देखो ये तो क्या ये अलोंग अलोंग जेड एक्सिस होगा क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। मैंने मैंने क्या माना था वेक्टर सी इज इक्वल टू पैरेलल टू वेक्टर के। ओके वेक्टर सी इज इक्वल टू अल्फा के डैश। ओके वेक्टर सी इज इक्वल टू पैरेलल टू अल्फा के। अब बताओ ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर टू इच अदर, बट ए क्रॉस बी भी क्या होगा, अल्फा डैश के होगा कि नहीं, ए क्रॉस बी इसी के लंब होगा ना भाई ए क्रॉस बी का, मे बी उसका लेंथ अलग हो बट डायरेक्शन इज गोइंग टू बी द सेम। ओके बात समझ लो, डायरेक्शन इज गोइंग टू बी द सेम। ओके सो इन दैट केस ऑल्सो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये केस, अगर हम इस केस ये जो केस है, अगर यह केस भी होता है तब भी क्या होगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज गोइंग टू बी द जीरो। बिकॉज़ व्हाई, बिकॉज़ वेक्टर सी किधर है भाई, हमने किधर लिया है पैरेलल टू के डैश अल्फा के। ओके पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड वेक्टर ए क्रॉस बी वह भी क्या आ रहा है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट अल्फा डैश के, यह भी क्या आ रहा है भाई, यह भी पैरेलल टू के आ रहा है, पैरेलल टू जेड एक्सिस आ रहा है। ओके अलोंग द के, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, सो दिस इज गोइंग टू बी द जीरो, के क्रॉस के इज गोइंग टू बी द जीरो। देखो कहने का मतलब ये है कि डॉट ये जो चीज है, ये जो तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ये जीरो आ रहा है, बट इन दैट केस ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए एंड बी परपेंडिकुलर नहीं है भैया एक दूसरे के ऊपर, बात समझ रहे हो, देन ऑल्सो ए क्रॉस बी मे बी सी क्रॉस ए क्रॉस बी विल बी जीरो। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज इफ ए क्रॉस बी इफ दिस इज सटिस, अगर ये कंडीशन है देन सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू,
दिस इज करेक्ट, बट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका ये मतलब नहीं है, इज नॉट इंप्लाइज दैट, इसका ये मतलब नहीं है ओके कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए, इसका ये मतलब नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी। देखो यहां पर ए एंड बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो ओके। सो गाइस आई होप कि ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ये आपके अंडरस्टैंडिंग को मतलब वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट किया होगा ओके। और बॉम्बे में जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और हमारा ये वीडियो आपके उस जर्नी में हेल्प करेगा ओके। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं वर्मा जी से हम सॉल्व करते हैं। चलो उससे पहले इस बोर्ड को एक बार क्लीन करें ताकि हम अगले क्वेश्चन को समझे और उसको सॉल्व करें। गाइस देखो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी जो कॉलेज की जर्नी है ना हम उस तक पहुंचाएंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए ओके। चलो और गाइस देखो हमारा कोई हम आपको किसी भी प्लस कोर्स के लिए आईफोनिक कोर्स के लिए फलान ढिकान कोर्स के लिए कभी फोर्स नहीं करने वाले ओके। ना हमारा कोई वैसा मिशन है ना मकसद है ओके। हमारा सिंपल सा एम है कि एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल ओके। और हमें पता है यार कि 58,000 और 91 लाख के आसपास ना फीस देने में बहुत तकलीफ होती है ओके। तो आप अपने अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट कीजिए बाय सपोर्टिंग अस ओके। चलो तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 16 को तो बहुत बढ़िया से डिस्कस कर लिया है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया क्वेश्चन है और ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज होने वाले थे जो आप सीखे हैं उसका यूज होगा। बट क्वेश्चन नंबर 15 दिस इज फॉर प्रैक्टिस ओके। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर प्रैक्टिस। तो 15 में क्या है, 15 क्वेश्चन नंबर 15 मैं लिख देता हूं, एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है बेसिकली 2i + 3j + 4k एंड वेक्टर बी क्या है भाई 4i + 3j + 2k दिस इज द वेक्टर ए एंड बी। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओके। हमें क्या करना है भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को कैलकुलेट करना है। चलो तो ये जो क्वेश्चन है गाइस ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और देखो हम इसमें केवल ए क्रॉस बी ही कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम और कुछ भी कैलकुलेट करेंगे ओके। हम बताते हैं हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। चलो इफ ए क्रॉस बी, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर वेक्टर सी ओके। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए ओके। दिस इज द ये हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन फाइंड वेक्टर सी ओके। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी देन दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड ए एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी
तो ये एक बेसिकली लर्निंग के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, दिस इज द जबरदस्त क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इससे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, इससे आप लर्न करेंगे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। आप इस चीज से, अगर कोई बोले कि इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और कोई ये पूछे कि इज वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, आप ना फुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि आप जो है हमारे इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। तो चलो हम इन सब चीजों को अब समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमें क्या करना है, पहले तो वेक्टर सी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, फाइंड वेक्टर सी। तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक एक तरीका क्या है, आई जे के, हम घड़ी की तरफ घूम गए, जे को मैं हाल देता हूं। अब हम घड़ी की तरफ घूम जाते हैं। एक तो इसकी, ये इसकी मदद, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये थोड़ा सा लेंदी होता है। दूसरा मेथड डिटरमिनेंट के मेथड से, आई जे के, यहां पर हम वेक्टर ए को लिखेंगे, यहां पर वेक्टर बी को लिखेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट की मदद से। देखो इसकी मदद से सॉल्व करना फर्स्ट स्टेप ठीक है, जरूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान देखो गाइस, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप अगर इसकी मदद से सॉल्व किए होंगे तो आप तुरंत इस चीज को रियलाइज कर दिए जाओगे कि इससे रिजल्ट कैसे आता है। ये कैसे रिजल्ट देता है, बात समझ रहे हो? चलो तो अब हम क्या करने वाले हैं भैया, अब हम चल रहे हैं इसको सॉल्व करने, हम पहले इस मदद इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो वेक्टर ए क्या है, मैं अगर वेक्टर ए लिखूं, सो टू आई, मुझे ए क्रॉस बी अगर निकालना है, सो दिस इज विल बी बेसिकली टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, क्रॉस फोर आई प्लस थ्री जे प्लस टू के। अब कहीं देखो, मैं एक एक करके इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालता जाता हूं, टू आई, लाइक जैसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, टू आई थ्री जे प्लस फोर के क्रॉस फोर आई प्लस टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के क्रॉस थ्री जे। प्लस टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के क्रॉस टू के। देखो अब इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, ये हो गया ए आई क्रॉस आई, यह क्या होगा इसकी, दिस इज गोइंग टू बी द जीरो, यह क्या होगा जीरो। समझना है कैसे, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, यहां पर कोण आई क्रॉस आई जीरो कैसे होता है, कैसे फील करें? तो भैया ये देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये फोन, ये मेरा मार्कर है, मैंने मार्कर पे इसी डायरेक्शन, इस पोजीशन पे इसी डायरेक्शन फोर्स कर रहा है, ऐसे क्या रोटेट कर रहा है, नहीं मतलब समझ लो, ये हमारा ये पोजीशन वेक्टर है पी, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो क्या ये कभी रोटेट करेगा, आंसर है नहीं, रोटेट ही नहीं करने वाला इसके, मतलब ये हमारा ये कभी थंब ऊपर आएगा, आएगा ही नहीं, रोटेट ही नहीं करना, क्यों आएगा, तो इससे बिल्कुल भी रोटेशन नहीं होता है। दिस इज गोइंग टू बी द जीरो। यहां पर क्या आएगा, प्लस चार तेई 12 जे क्रॉस आई। यहां पर क्या आएगा भैया,
जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा? देखो जे क्रॉस आई हम कैसे जाना, उल्टा जाना, देख रहे हो आई क्रॉस जे के होता है, बट जे क्रॉस आई उल्टा माइनस के, तो यहां पर क्या आएगा भैया, माइनस के, माइनस 12 के, एग्री? ओके, देखो यहां पर क्या आएगा, 16, चार चौके 16, ओके, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे होगा, हम देखो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, के क्रॉस आई जे आ रहा है, ओके क्लॉकवाइज में, के क्रॉस आई जे, ओके पहले के फिर आई, के क्रॉस आई क्या आ रहा है, ये जे आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, जे प्लस 16 जे, आई होप एग्री, प्लस अब देखो 2 × 3 6 आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे, ये आई है यहां पर जे है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आई जे क्या आएगा, के, ओके ये हो गया के, यहां पर 3 जे क्रॉस जे क्या आएगा भाई, 0, ओके जो एनालिसिस यहां पर हमने की थी, ये वाला जो एनालिसिस है, दिस इज गोइंग टू बी द 0, प्लस 4 के क्रॉस 3 जे, तो 4 × 12 के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे उल्टा जा रहा है, जे क्रॉस के होता है आई, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस है, ओके तो यहां पर माइनस आई, आई होप एग्री करोगे, चलो अब यहां पर आते हैं, ये क्या रहा भाई, 2 × 2 4, ओके फोर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, हमें ऐसे जाना पड़ेगा इस तरीके से, आई क्रॉस के ऐसे, तो क्या है उल्टा जा रहा है, के क्रॉस आई होता है जे, आई क्रॉस के होगा माइनस जे, माइनस जे, ओके सो यहां पर बात करते हैं, इसका कारण 2 × 3 6 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के ये होगा आई, ओके जे क्रॉस के आई, यह क्या होगा, 0, के क्रॉस के 0, ओके सो व्हाट वी गेट हियर गाइस, देखो मैं अब सभी को भैया एक साथ लेकर आता हूं, ओके तो देखो ये 6 आई है और -12 आई है, एग्री, तो ये क्या हो जाएगा -6 आई, ओके जे में क्या है, तो 16 जे -4 जे, 16 जे -4 जे दैट विल बी +12 जे, के में क्या है -6 के +6 के दैट विल बी -6 के, ओके तो यही क्या होगा भैया हमारा ए क्रॉस बी, एक बार चेक कर लें वर्मा जी ने क्या दिया है, ओके मे बी भाई आंसर गलत हो तो हो सकता है, मतलब गड़बड़ मैच ना करे तो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन कुछ छूटा हो, ओके क्योंकि बहुत लंबा है दो में भी छूट सकता है, एक बार चेक करते हैं 15 का आंसर वर्मा जी ने क्या दिया है, तो देखो वर्मा जी ने 15 का आंसर यही दिया है कि -6 i 12 j -6 k, ओके दिस इज द आंसर गिवन इन वर्मा जी और हमारा आंसर भी सेम है, तो ये एक तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए और ये काफी बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, ओके बट अगर गई देखो अगर आपको फास्ट करना है तो हम फास्ट करने के लिए हम किससे जाएंगे भाई, हम जाएंगे इससे डिटरमिनेंट्स के मेथड से, ओके और देखो डिटरमिनेंट्स आपको पढ़ना है क्लास 12th में, तो दिक्कत क्या है, डिटरमिनेंट से प्रैक्टिस करना है हमारा कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होगा, और डिटरमिनेंट से आंसर कैसे आते हैं और उसको समझने के लिए गाइस वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे हमें यही चीज करनी होगी, डिटरमिनेंट से आंसर कैसे आते हैं चीज को समझने के लिए, ओके डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, ओके तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम जा रहे हैं भाई
डिटरमिन आंसर्स को सॉल्व करने, मैं ये जो चीजें हैं इसको इरेज करता हूं और डिटरमिन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम फिर ये अपने जो दो क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करता हूं। देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, एक डिटरमिनेंट लिखना होगा, बनाना होगा। ओके, आई जे के, वेक्टर ए सबसे फर्स्ट रो में वेक्टर ए है, 2, 3, 4। ओके, वेक्टर बी क्या है, 4, 3, 2। ओके, दिस इज द, अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो हम सबसे पहले आई के लिए क्या करेंगे, देखो आई के लिए हम इस रो को, ये रो और ये इस रो को छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे, इस चीज का इससे। ओके, सो 2 into 3 माइनस 3 into 4। अब ध्यान से देखो भाई, जो हमने आई के साथ कंपोनेंट लिखा था बेसिकली यही आ रहा था, 6 minus 12। ओके, आई के साथ, तो ये बेसिकली अब जब करोगे ना तो आएगा। ओके, और ये कैसे होता है, क्या होता है, ये क्यों आंसर देता है, डिटरमिनेंट क्यों आंसर देता है, इसके लिए जब आप क्लास 12th में जाओगे आपको मैट्रिक्स पढ़ना होगा, डिटरमिनेंट्स पढ़ना होगा, ओके, लाइन पढ़ने होंगे, आप उस्ताद बन जाओगे, चिल्ला चिल्ला कर बताओगे ये आंसर क्यों देता है, समझ रहे हो। सो वेट फॉर क्लास 12th। अब मैं किसके साथ जाने वाला हूं, मैं जे के लिए करूंगा। तो देखो जे के लिए क्या करना है भाई, जे इस रो में है, हमने फिर से इस रो को कट किया ऐसे जे के लिए। ओके, और किस कॉलम में है जे, इस कॉलम में, इसको कट किया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा, ये वाला और ये वाला पार्ट, हमारे पास ये और ये बचा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस प्लस, जे के लिए इसके लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस 2 into 2, 4 into 4, माइनस 4 into 4, यही आ रहा था भाई, दिस इज द जे, यही आ रहा था जे के साथ कंपोनेंट प्लस। अब देखो, अब हमें किसके लिए करना है भाई, के के लिए करना है, नाउ वी हैव टू गो फॉर के। देखो के इस रो में है, के को हम ऐसे काटते हैं, देखो के को हमने काट दिया, के साथ कॉलम, ये वाला कॉलम है, हम इसको भी छोड़ दें, इसको छोड़ दें, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला चीज बचा यहां पर, सो प्लस प्लस माइनस प्लस, ओके, दिस इज द प्लस, प्लस 2 into 3 माइनस 4 into 3। ओके, तो देखो इसमें एक चीज होता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करने की चांसेस कम होती हैं, बस एक सारी चीजें आपको एक साथ होती हैं, कोई किसी को ऐड नहीं करना है, किसी को जोड़ना नहीं है, आपको यहां पर बार बार रोटेशन चेक नहीं करना है, आई क्रॉस जे क्या होगा। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है, उसमें एरर कम होते हैं। सो देखो यहां पर क्या आएंगे, ये 6 minus 12 डेट विल बी -6 आए। ओके, ये क्या होगा, आप देखो ये माइनस होगा 4 minus 12, 4 minus 16 डेट विल बी -12, यह क्या हो जाएगा +12 जी। यहां पर क्या आएगा भाई, 6 minus 12 डेट इज -6 आए, -6 के। तो यही आंसर था वर्मा जी में। ओके, एवं मेरे को फिर से चेक कर लें, दो 15 यही है, -6i + 12j -6k। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब देखो, अब दिस इज बेसिकली वेक्टर सी। तो हमने पहला जो स्टेप था वो वेक्टर सी को सॉल्व कर लिया एंड वी हैड कैलकुलेटेड वेक्टर सी। अब सेकेंड क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो ये वाला पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा दिया है,
इसको सॉल्व करके हम दो चीज सीखेंगे, पहला चीज डॉट प्रोडक्ट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा चीज जो ये वाली जो बात है इसके लिए भी हम फुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे मुझे पता है ये क्यों होता है, मैंने चेक किया है ये होता है, बात सही है, समझ रहे हो। चलो सो मुझे क्या करना है, वेक्टर सी आई हैव टू कैलकुलेट वेक्टर, क्योंकि देखो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भैया, डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर हम ये निकालते हैं। तो देखो वेक्टर सी क्या हो जाएगा भाई, माइनस सिक्स आई प्लस 12 जे माइनस 6 के ओके डॉट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4 के ओके। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, हमको i के साथ i का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो सो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा माइनस 12 छ इंटू 2 12 होगा, j के साथ j का तो 12 इंटू 3 डेट इज 36, j के साथ j 12 इंटू 3 36 और k के साथ k को तो यह क्या हो जाएगा माइनस 24 छ इंटू 4 डेट इज 24। तो ये बेसिकली क्या आएगा भाई, ध्यान से देखोगे माइनस 36 प्लस 36 डेट इज 0, क्या है ये डॉट प्रोडक्ट जीरो वाले, इसका क्या मतलब है, देखो मैं अगर बोलूंगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ये बेसिकली क्या होता है मॉड ए मॉड ऑफ सी कॉस थीटा ओके। क्या सी का लेंथ सी का मैग्नीट्यूड जीरो है, बोलो देखो सी ये वेक्टर है, नहीं मॉड सी इज नॉट जीरो, मॉड ए क्या मॉड ए ये जो लेंथ है इसका लेंथ है जीरो इस वेक्टर का, आंसर है नहीं मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट जीरो। तो फिर डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे हुआ, डॉट प्रोडक्ट जीरो इसलिए हुआ बिकॉज ये जो साइन कॉस थीटा है दिस इज जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो और जीरो से पाई के बीच में व्हाट इज द वैल्यू फॉर विच कॉस थीटा इज जीरो, देयर इज ओनली वन वैल्यू और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड व्हाट इज थीटा, ये थीटा इज द बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है थीटा है एंड दिस थीटा इज 90 डिग्री, दैट मींस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो हमने एक चीज तो यहां पर शो कर दी कॉन्फिडेंस बूस्टर, साथ में हमने डॉट प्रोडक्ट की भी प्रैक्टिस कर ली है, डबल फायदा ओके। चलो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, अगेन एंगल हमें कैलकुलेट करना है, एंगल पता करना है, हम किसकी मदद लेंगे डॉट प्रोडक्ट की, डॉट देखो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत होती है ओके। पहली दिक्कत क्या है, पहला चीज क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा आपको वेक्टर रहेगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, ठीक ना, वह एक झंझट है और क्रॉस प्रोडक्ट को देखो आपको सॉल्व करने में भी तकलीफ है, डॉट प्रोडक्ट को एक लाइन में सॉल्व कर दो, समझ रहे हो, सो डॉट प्रोडक्ट इजी है पहली। दूसरी चीज जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म आता है वो साइन थीटा आता है, साइन थीटा देखोगे गाइस वो जीरो से पाई के बीच में दो वैल्यू देगा, पाई से टू पाई के बीच में भी दो वैल्यू आएगा, तो आपका जो वेक्टर होगा वो भाई यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, चाहे ठीक है जो भी होगा एक्चुअली, क्योंकि वो मॉड आता है मैग्नीट्यूड ही होता है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो बहुत वैल्यू दे देगा ओके। अगर पॉजिटिव को भी लेकर चलोगे देन इट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू ओके, दो वैल्यू देगा जीरो से पाई के बीच में ओके। तो वो मतलब इजी नहीं है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के साथ वेक्टर को फाइंड करना, बट इसके साथ बहुत सिंपल है क्योंकि अब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो जीरो से पाई के बीच में, ये जीरो से पाई बाई टू के बीच में पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, पाई बाई टू से पाई के बीच में नेगेटिव होता है, बहुत सिंपल है इससे डॉट प्रोडक्ट की मदद से एंगल फाइंड करना ओके। तो अगेन हमें यहां पे किसके बारे में बात करनी है,
सी क्रॉस बी निकालना है। हमें पता है वेक्टर सी क्या है, चलो मैं यहां पर निकालता हूं, वेक्टर सी माइनस सिक्स आई प्लस 12j माइनस 6k डॉट। वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या भाई, 4i प्लस 3j प्लस 2k। ओके ध्यान से देखो, माइनस 24 i के साथ i, ओके माइनस 6 इंटू 4 डेट इज माइनस 24, 12 इंटू 3 जे के साथ जे 36 प्लस 36 माइनस 6 प्लस 2 डेट इज के साथ के माइनस 12। अगेन क्या आ रही है, माइनस 36 प्लस 36 डेट इज जीरो। अगेन डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। फिर से लिखें गाइस, व्हाट कैन आई हियर, सी डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यही होगा। ओके क्या सी मॉड ऑफ सी जीरो है, आंसर नहीं। क्या मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ वेक्टर बी जीरो है, आंसर नहीं, क्योंकि इस वेक्टर का तो लेंथ होगा भाई 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ओके 16 और 9 25 और 4 अंडर रूट 29 लेंथ हो। ओके सो मॉड बी इज नॉट जीरो, तो यह भी जीरो नहीं है, यह भी जीरो, इसका मतलब क्या है कि दिस मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, यह जीरो होगा। ओके अगर यह जीरो है तो यह कॉस थीटा कब जीरो होगा, पाई बाई टू के लिए। ओके सो दिस मींस थीटा, एंड व्हाट इज द थीटा, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। ओके सो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस मीन्स एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्या होगा इनके दोनों के बीच, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि सी इज परपेंडिकुलर टू बी। ओके सी इज परपेंडिकुलर टू बी, हमारा यही मकसद था इसी चीज को समझना, पर हमने इस क्वेश्चन से समझ लिया। ओके गाइस चलो, तो वर्मा जी का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इस बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं, फिर अगले क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं। ओके ओके गाइस, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके ओके गाइस, तो मैं ओके गाइस, तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लिया। ओके अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, यह प्रूफ करना है। यह क्या करना है, यह प्रूफ करना है। ओके देखो गाइस, अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए, लेट अस अज्यूम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यह क्या होगा, अगर ये जो ऑपरेशन है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन किया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, लेट अस अज्यूम दैट वेक्टर इज सी, दिस इज वेक्टर सी। ओके अब क्या क्या है, अब देखो वेक्टर सी, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या होगा, वेक्टर सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ओके आई होप आप एग्री करोगे। देखो इस चीज को ज्यादा समझने की कोशिश करो, ये बेसिकली क्या है, ए डॉट, मैं इसकी जगह पर वेक्टर सी लिख दूं, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी इज बेसिकली सी, वेक्टर सी। ओके सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ये होगा। ओके एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है भाई, मॉड ए मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा। ओके अब ये देखो, ये जो रिलेशन है यहां पर, ये बेसिकली क्या आ रहा है, ये जो रिलेशन है ये क्या बोल रहा है कि
वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये क्यों होता है हम इसको डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 15 में हम इसको डिस्कस किए थे। ओके अपना आय का स्पेशल केस लेकर के, सो सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। सो वेक्टर ए इंटू जीरो या क्या होगा भाई, जीरो होगा। सो ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, जीरो। ओके चलो इस क्वेश्चन में एक चीज और थोड़ी सी आगे की बात की जाए तो देखो भाई, एक लेटर से जो एक वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीन वेक्टर है। सो आप अगर क्लास 12th में जाओगे और जब वेक्टर के बारे में पढ़ोगे तो व्हाट यू कैलकुलेट, आपको एक चीज कैलकुलेट करना रहता है कुछ इस तरीके से लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके यहां लोग ऐसे इसको बोलते हैं, एक डब्बा बनाते हैं ऐसे। ओके लोग क्या मतलब इस तरीके से डब्बा बना देते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको वॉल्यूम देता है। ओके मैं अभी आप चाहते एक्चुअली अगर आप ज्योमेट्रिकल सेंस निकालने की कोशिश करोगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कैसे वॉल्यूम देता है। ओके मैं एक हिंट देता हूं, जो वॉल्यूम होता है आप ध्यान से देखो, अगर ये हमारा एक क्यूबॉइड है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो बेसिकली क्या होता है, ये बेस का एरिया इंटू ये हाइट, ये हाइट एच, बेस का एरिया इंटू हाइट। ओके और गाइस अगर आप थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो ये आप क्या बोलोगे, दिस इज द एरिया, और यह क्या है, ये बेसिकली हाइट देगा, ये वाली हाइट। ओके तो इस तरीके से ये बेसिकली वॉल्यूम देता है हमें, ठीक है। अभी इस चीज के बारे में अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्लास 12th में जाओगे तो इसको पढ़ोगे। ओके तो आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल खुद से एनालाइज कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। ओके देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं, मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन कर देता हूं फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इसमें दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। ओके वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो मैं एक काम करता हूं बोर्ड पे वेक्टर ए वेक्टर बी लिख देता हूं और फिर हम उसको एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो वेक्टर ए यह क्या है, यह है 2i प्लस 3j प्लस 4k, दिस इज द वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या है बेसिकली, वेक्टर बी इज 3i प्लस 4j प्लस 5k। ओके दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। हमें क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में। देखो एंगल फाइंड करने के आपके पास, अगर आप वेक्टर के बारे में एनालाइज करोगे तो आप बोल सकते हो या एंगल, तो हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक क्या है, एक ए डॉट बी इज, ये बेसिकली ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालते तो क्या होता है भाई, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके यह एक तरीका है इसकी मदद से आप एंगल। दूसरा आपके दिमाग में आ सकता है जो हम बोलते हैं वाइल्ड इमेजिनेशन, वाइल्ड थॉट जो है वो कुछ इस तरीके से आ सकता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ओके गाइस एक चीज देखो, अगर आप थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो आप क्या पा पाओगे कि यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या जो भी होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो होगा यह भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो से पाई, जीरो टू पाई, यह कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा जीरो से पाई के बीच में आएगा। ओके और एक चीज देखो, जीरो से पाई के बीच का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू देगा यहां पर, मतलब जो एंगल, मतलब कंपोनेंट के बेसिस पर देखो तो केवल
इस रीजन की वैल्यू देगा, जीरो से ये वाले रीजन के वेक्टर की वैल्यू देगा, इधर की तो वैल्यू देगा ही नहीं ये, ओके समझ रहे हो, इधर की वैल्यू ही नहीं देगा। तो पहला चीज तो इससे ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या करता है, ये करता है कि ये जो है ये क्या करता है, एक जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके लिए दो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, एक यहां पर एक यहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इसकी वैल्यू जो है ये, हमने इस ऑपरेशन को किया, हमें साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, यहां पर थीटा दो पॉसिबल वैल्यू है, थीटा क्या हो सकता है, एक पाई बाय 6 हो सकता है, दूसरा क्या होता है पाई पाई बाय 6। अब एंगल अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जाओ तो भाई देखो पाई बाय 6 कहीं इधर होगा, दिस इज 30 डिग्री, और 150 डिग्री 5π/6 कहीं इधर होगा, ओके 150 डिग्री कहीं इधर होगा। ये अब ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम है क्या, नहीं। तो इससे जो है ना अननेसेसरी सॉल्यूशन मिलेगा, बात समझ रहे हो, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करने जाओगे तो अननेसेसरी सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन गलत नहीं होगा बट आपको फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। आप क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने की कोशिश करोगे, आपको अपने आंसर को फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो ये वाली जो क्वांटिटी होगी, ये दो चीज पॉसिबल है, तीन चीज पॉसिबल है, एक पॉजिटिव होगी जीरो होगी 90 डिग्री और नेगेटिव। और देखो जीरो से पाई के बीच में जो एंगल है किसी वेक्टर का जीरो से पाई के बीच में, वह क्या होगा भाई, जीरो से पाई के बीच में अगर मैं ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं जीरो से पाई के बीच में, ओके मान लो एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या होगा भाई, दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर बी तो कहीं इधर ही होगा भाई, ओके जीरो से पाई के इनके बीच का एंगल वही जीरो से पाई के बीच में होगा कहीं ऐसे, बात समझ रहे हो, जीरो से पाई के बीच में। तो अगर ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, एंड तो जीरो से पाई के बीच में जो कॉस थीटा होता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव होता है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है कॉस थीटा। जैसे मैं देखो आपको मे भी ग्राफ पता ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ओके जैसे देखो cos 60 डिग्री या क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है आपका 1/2, cos 90 डिग्री क्या होता है जीरो। लेकिन अब देखो अगर कोई बोले कि cos pi माइनस 60 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या होगा, ओके यह होगा माइनस 1, क्या होगा cos 120 डिग्री क्या होगा भाई माइनस 1/2, ओके। तो देखो अगर ये पॉजिटिव आएगा तब भी एक ही एंगल देगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तब भी एक एंगल देगा, जीरो डिग्री आएगा तब भी एक एंगल देगा। तो इससे एनालिसिस करने में बहुत सिंपल हो जाता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो इस चीज इससे एनालाइज करने में बहुत ही सिंपल होता है, बस समझ लो, ओके। तो ये देखो ये हमारा ए डॉट बी है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए डॉट बी निकालेंगे, ओके हम ए डॉट बी निकालेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, और फिर कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, ओके कॉस थीटा फाइंड कर ले तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी फाइंड कर लेंगे। चलो तो मैं एक बार इसको स्क्रीन जो बोर्ड है बोर्ड को क्लीन करके मैं निकालता हूं। तो देखो ए डॉट बी क्या होगा भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या क्या होगा भाई, 2 × 3 आई के साथ आई 6, जे के साथ जे 12, ओके 3 × 4 और यह क्या आएगा भाई के के साथ के 20। तो ध्यान देखो 20 + 18 = 38, ए डॉट बी क्या है 38, दिस इज इक्वल टू मॉड ए, मॉड ए क्या होगा भाई, देखो तो सॉरी 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 4 और 3 4 और 9 13 और +16 कितना हो गया 13 और 16 29 √29, ओके मॉड ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा भाई
अंडर रूट 29। सिमिलरली आप देखो ये क्या हो गया, ये 25 तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर अगेन 25, सो मॉड ऑफ बी अंडर रूट 50, सो आई कैन एट 5√2। ओके सो इनटू 5√2 कॉस थीटा। ओके यही होगा भाई डॉट प्रोडक्ट, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का पता होगा तो। सो व्हाट इज द कॉस थीटा, ही कॉस थीटा इज बेसिकली 38 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 5, और इसको मैं 58 करता हूं। ओके अंडर रूट 58 5 अंडर रूट 58। ओके दिस इज द कॉस थीटा। सो व्हाट इज द थीटा, थीटा को मैं बोलूं दैट इज कॉस इनवर्स 38 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 58। ओके ये कॉस इनवर्स एक लिखने का तरीका है, ये ऐसा नहीं है कि 1 बाय आप एक्सपोनेंट नहीं है। ओके बस एंगल को लिखने का तरीका है, आप इस चीज को नोट कर लो बार बार, एक्चुअली बताया नहीं हूं लेकिन जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके तो चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वर्मा जी ने लिखा है 38 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1450। ओके सो एक काम कर देंगे, जब 1450 तो लाना मुश्किल हो जाएगा, मैं इसके आसपास की क्वांटिटी लाने की कोशिश करता हूं। देखो अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए 5 अंडर रूट 60, बहुत आसान से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा भाई हमारा 25 × 60। ओके तो यह क्या आएगा 25 × 150 के आसपास, तो सही है भाई 1500 के आसपास ही हमारा आ रहा आंसर। ओके तो हमारा आंसर क्या है सही है, बात समझ रहे हो। तो हमने जस्ट चेक किया गया, ओके हमने चेक किया गया, हम इसको क्या मान ली 60 मान ली और लेटर से जो कि वो वही है। ओके और देखो अगर आपको इजेक्टली लाना है तो आप क्या कर सकते हो भाई, आई कैन राइट 60 − 2, तो मतलब यहां से −25 × 2 150 क्या होगा 50 इसमें सबट्रैक्ट कर दो −50 तो यही आएगा 1550। ओके तो इस तरीके से आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो रूट वगैरह के, समझ रहे हो। तो हमारा आंसर हमारा जो आंसर है और ब्रह्मा जी का आंसर क्या है सेम है, सो हमने गाइस इसको कर लिए हैं गाइस, और आज के लिए बस इतना ही, और कल के वीडियो लेक्चर में हम फर्दर एससी ब्रह्मा के सारे जो क्वेश्चन है वेक्टर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।